हाय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सेट के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट यू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है और ए इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, बी इक्वल्स टू एक सेट दिया हुआ है और सी इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि ए डैश मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इस तरह से अलग अलग सेट दिए हुए उनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और फिर ए को लिखते हैं 1, 2, 3, 4। अब मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट, यदि मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें से कट कर दीजिए, हटा दीजिए, जो रेस्ट बच गया वही आपका आंसर हो गया। तो देखिए 1 है, ये आपका 1 यहां पे हो गया, 2 यहां पे है, 3 यहां पे है, 4 यहां, दैट मींस ये सब एलिमेंट को हटा देना है। मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालने का फंडा क्या है, जिसका बोला जाए उस एलिमेंट्स को हटा दीजिए, जो बच गया वही आपका आंसर। तो क्या बच गया, 5, 6, 7, 8, 9, तो क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट, सेकेंड पार्ट को हम लोग को क्या निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए तो बी का सेट लिखते हैं 2, 4, 6 और 8, ठीक है। और हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट ये लिखा है क्या, 1, 2 इस तरह लिखा है। तो देखिए इसके एलिमेंट्स इसमें से कट करते हैं, 2, 4, 6 और 8, दैट मीन इन सारे एलिमेंट्स को निकाल लेना है, जो बचा वही हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो चलिए आप बताइए क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, देखिए इनको 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 और इन सब एलिमेंट को नहीं लेना, जो बच गया वो, तो क्या बच गया 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें किसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहले ए लिखते हैं। ए के कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सी, सी के कौन कौन से एलिमेंट है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, क्योंकि यहां बोला जा रहा है ए यूनियन सी, तो पहले हम लोग ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, फिर यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को हटा लेंगे, जो बच गया वो आपका आंसर हो गया। तो चलिए ए यूनियन सी निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ए यूनियन सी कैसे निकालते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स को लिखना है, तो ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 4, तो चलिए 1, 2, 3, 4 लिख लिया। अब सी, सी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, 3, 3 तो लिखा हुआ है, 4, 4 लिखा हुआ है, 5 और 6 नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए ये आपका क्या निकला, ये आपका ए यूनियन सी निकला, लेकिन आपको पूछा है कॉम्प्लीमेंट इसका, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, सबका कॉम्प्लीमेंट सेम प्रोसेस निकलता है, क्या कीजिए इन सारे एलिमेंट्स को इसमें से हटा लीजिए। तो चलिए हटाते हैं, क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स ये सारा एलिमेंट को हम लोग को हटा लेना है, जो बच गया हमारा आंसर, तो क्या बच गया 7, 8, 9, 7, 8 और 9, ये हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था। चलिए हम लोग अब फोर्थ पार्ट को करते हैं। चलिए देखिए सेम चीज है, यहां ए यूनियन सी पूछा था, अभी ए यूनियन बी पूछ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग पहले क्या करेंगे ए यूनियन बी लिखेंगे। तो चलिए ए यूनियन बी लिखते हैं, ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, बी, बी के भी लिखेंगे, 2, 2 है, 4, 4 है, 6 नहीं है, 6 लिखेंगे, 8 नहीं है तो 8 लिखेंगे, ए यूनियन बी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अब आप बताइए कैसे निकालते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी नहीं करना है, इन सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 6, 8, 6 और 8, कौन कौन से एलिमेंट बच गए आपके, 5 बच गए, 7 बच गया और 9,
फाइव, सेवन और नाइन, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका था फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग फिफ्थ पार्ट को करते हैं, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट लीजिए और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में ही बताया था कि क्या हो जाएगा यदि एक कोई एक सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट और जो निकला ए डैश उसका फिर कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होता है, ए होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बट मान लीजिए आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है, समझ में आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। आपका निकाला हुआ, यहां देखिए 5, 6, 7, 8, 9। अब फिर इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, दैट मीन्स क्या करेंगे हम लोग, इन एलिमेंट को निकाल देंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो बताइए कौन कौन से एलिमेंट है वहां लिखा हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हुआ है। कौन कौन सा बच गया, 1, 2, 3, 4। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4। अब देखिए 1, 2, 3, 4 क्या है, 1, 2, 3, 4 ए है। तो देख सकते हैं क्या मिला आंसर, ए। और हम इस मैंने बिना सॉल्व किए क्या निकाल दिया था, ए। तो ये इस तरह से इसका मतलब है कि हम लोग को प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए। यदि हम प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो हम लोग को फिर इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये आपका मेथड वन हो गया और ये कौन सा मेथड हो गया, टू हो गया, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्टीज को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो हमारा ये कौन सा होगा, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। हम लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया, अब देखिए हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्या है बी माइनस सी। देखिए क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, देखना है क्वेश्चन को, ऑब्जर्व करना है। ये बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा था, दैट मीन्स मेरे दिमाग में क्या है आइडिया आया कि पहले बी माइनस सी निकालो, निकाल लिया। चलिए मैंने मान लीजिए कि निकाल लिया बी माइनस सी, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। देखिए प्रोसेस है, आप जब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपने आप प्रोसेस दिखने लगा है। तो इसका मतलब हम लोग का फर्स्ट एम क्या है, हम लोग का फर्स्ट एम है बी माइनस सी निकालना। तो चलिए हम उसको लिख लेते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स है बी के पास। बी के पास है 2, 4, 6, 8, ठीक है। सी के पास बताइए क्या क्या है, 3, 4, 5, 6। अब देखिए मैंने आपको सब्ट्रैक्शन बताया था ना, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इसके पूरे एक एक्सरसाइज किए हैं सब्ट्रैक्शन पे कैसे करते हैं। बी माइनस सी मतलब सी के एलिमेंट्स को कट करना है, 3 नहीं है, 4 है हाँ कट कर दो, 5 नहीं है, 6 है कट कर दो। बताइए कौन कौन सा एलिमेंट बचा, 2 और 8। याद रखिएगा ये सब जो हम लोग करते हैं ये हम लोग रफ में करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में कट नहीं करेंगे, रफ में करेंगे, ट्रिक्स हैं, ठीक है। बी माइनस सी निकल गया, अब बोला जा रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बताइए कैसे निकालेंगे बी माइनस सी को, यूनिवर्सल सेट कहाँ था हम लोग का, हाँ ये, ठीक है। इसमें से 2 और 8 को हटा दो, 2 और 8 को हटा दो, क्या क्या बच गया, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने। हम लोग को पता है कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा देते हैं, जो बच गया वही आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिया था फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन सारे सेट का क्या करना है हम लोग को, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसमें क्या है ए बी सी, तो ए बी सी को हटा दीजिए, हो गया आपका आंसर। क्या लिखेंगे, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी और एच, हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया, हम लोग सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। चलिए कुछ भी नहीं करना, आपको पता ही है क्या करते हैं हम लोग, डी ई एफ जी जो इसका एलिमेंट उसको हटाना है, तो डी ई एफ जी इसको हटा दीजिए, वही हमारा आंसर। बताइए क्या क्या है, ए बी सी, ए बी सी एच, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है।
क्या है, ए सी ई, ए सी ई, ठीक है, और जी, इन सबको हटाना है, हटा दीजिए, क्या बचा, बी डी, बी डी एफ और एच, हो गया, यही आपका आंसर है। चलिए इसके लास्ट पार्ट पे जाते हैं, क्या है इसमें बोला जा रहा है, एफ जी एच, एफ जी एच और ए, इसको हटा दो, हटा दो तो क्या बचा, बी सी डी ई, क्या बचा, बी सी डी और ई, बी सी डी ई और बी सी डी और ई, बी सी डी और ई, ये हो गया आपका आंसर। कुछ भी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स का सीधा सा फंडा है कि कुछ मत करो, जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, जो बचा वो आपका आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन, देखिए, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, मतलब कि बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्सल सेट किसको मान लीजिए, नेचुरल नंबर को, ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, देखिए कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्स तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब एक यूनिवर्सल सेट देना आपके पास गिवन हो, और आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर, तो हम लोग लिख लेते हैं हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो गया आपका, नेचुरल नंबर, और आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में पढ़े हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, तो चलिए हम लोग नेचुरल नंबर लिख लिए। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा था, x such that x is an even natural number, क्या बोल रहा है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर क्या होता है बताइए, 2, 4, 6 इस तरह से जाएगा, तो ये बोल रहा है कि ये है, मतलब कि जैसे जस्ट इमेजिन कर लीजिए आप इसको एक सेट दे दीजिए जिसका नाम है ए, ठीक है, अब बोल रहा है कि ए में क्या है आपका, एक एलिमेंट इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8, और आपको बोला जा रहा था ए बार निकालिए, क्यों, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, इसके एलिमेंट्स को निकाल देते हैं, 2, 4, 6, 8 निकाल दिया, 2, 4, 6, 8 आगे निकाल दिया, तो बताइए क्या बचा, 1, 3, 5, 7 इस तरह से बचेंगे एलिमेंट्स, और ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ऑड नंबर का सेट लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख देंगे x such that x is an odd natural numbers, ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, यदि मुझसे कोई पूछे ऑरली तो हम इसको दूसरे मेथड से ही बना सकते हैं, कि देखो कि दो चीज होता है नेचुरल नंबर्स में, दो चीज होते हैं, एक होता है आपका इवन नेचुरल नंबर्स जो हो गया 2, 4, 6, एक होता है ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यहां बोला जा रहा था ये आपका मेथड वन था, ये मैं आपको मेथड टू बता रहा हूं, यदि आपके स्किल्स डेवलप हो जाएंगे फिर आप इस ऐसे कर सकते हैं, क्या बोल रहा है, x such that x is an even natural number, बोल रहा है कि ये सेट, ये आपका यहां सेट दिया हुआ, अब बोल रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट में कहते जिसका निकालते हैं उसको हटा दो, मतलब इस पार्ट को हटा दो, क्या बचा, ऑड, वही तो आंसर है, x such that x is an odd natural number, हो गया ना, तो हम लोग यहां लिख देंगे x is an odd natural numbers, ये आपका आंसर हो गया। सर दैट मीन सब जगह फंडा वही है, रोस्टर फॉर्म में लिखा रहे हैं या कैसे भी लिखा रहे, कुछ मत करो, जो बोला जा रहा है उसको हटा दो, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, x सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो कुछ भी नहीं करना, मुझे पता है कि हमारे पास जो है, हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, ये इवन है और ये ऑड है, देखिए आपके पास है ना, यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, नेचुरल नंबर्स, ये देखिए नेचुरल नंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, 1, 2, 3, 4, अरे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें क्या क्या है, ऑड नंबर है और इवन है, तो आपने लिख दिया इवन और ऑड, इसमें बोला जा रहा है क्या, ऑड का निकालो, दैट मींस इसको हटा दो, क्या बचा, इवन, तो बस आंसर हो गया हमारा, x such that x is an even natural numbers, कुछ भी नहीं करना है कॉम्प्लीमेंट में, जिसका पूछा जा रहा है उसको हटा दो, जो बच गया वही आपका आंसर, लेकिन किसमें से हटाना है, यूनिवर्सल सेट में। आइए हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है,
आपको दिया हुआ था, यूनिवर्सल सेट तो दिया ही हुआ है, क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या है नेचुरल नंबर दिया हुआ है आपको, क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए एक रेफरेंस चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट चाहिए, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए किसका पूछा जा रहा है, x such that, थर्ड क्वेश्चन है, x such that x is a positive multiple of 3, जस्ट इमेजिन कर लीजिए इसको मैंने a मान लिया, ठीक है, तो सेट a बराबर क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ x such that x is a positive multiple of 3, positive multiple that means क्या हो, 3, 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब कि इस तरह से पॉजिटिव मल्टीपल क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई करो वो हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करो हो गया। आप 3 × 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पॉजिटिव मल्टीपल पूछ रहा है, जीरो जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो जीरो जीरो है, आपको पता है ना, जीरो के बाद 1, 2, 3 ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये आपका इधर जो है -1, -2, -3 नेगेटिव इंटीजर्स है, जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर्स है न तो नेगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ पूछ रहा था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मीन्स क्या हो गया, आपको यहाँ से मल्टीपल करना पड़ेगा 1, 2, 3 से, इसलिए मैंने 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 0 से नहीं किया। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट जो एक्सरसाइज 1.1 के जो थ्योरी पार्ट है उसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं, कौन कौन से नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बोल रहा था x such that x is a positive multiple of 3, तो मैंने लिख दिया 3, 6, 9, 12 इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अब बोल रहा है कि इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो मैंने क्या बताया था आपको, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इस एलिमेंट को इसमें से निकाल लेते हैं, तो देखिए हम लोग जो निकालेंगे इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इसको निकाल देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा कि पॉजिटिव मल्टीपल नहीं होगा, यहां बोल रहा है कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 का पॉजिटिव मल्टीपल निकालो 3 का, ये आपका सेट है। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब क्या होता है, इसको हटा दो, मतलब पॉजिटिव मल्टीपल को हटा देंगे तो क्या बचेगा, नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो वही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x such that x is natural number, क्योंकि नेचुरल नंबर तो होगा ही, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारा ये नेचुरल नंबर दिया हुआ, एंड जो आंसर है उसी में से नॉट लगा देते हैं, मतलब कि नॉट लगाने का मतलब होगा क्या, ये नहीं, यही तो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो होता है उसका उसको निकाल देते हैं, तो हम इसके आगे नॉट लगा देंगे क्या, एंड एंड नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब क्या हो गया, x such that x is natural number तो है and not positive multiple of 3, और 3 का positive multiple नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए सीधा सा फंडा है, कॉम्प्लीमेंट जिसका पूछा जा रहा है उसको हटा दीजिए, तो मैंने भी यहाँ वही किया, पॉजिटिव मल्टीपल को बोल रहा है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 था दिया हुआ, इसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या कर दिया, आगे नॉट लगा दिया, नॉट मतलब क्या होता है, वो नहीं, तो जो वो नहीं तो जो बच गया वही, तो वो हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। ये हमारा था थर्ड पार्ट, हम लोग चलिए अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यदि हम इसको जल्दीबाजी करेंगे तो फिर गलत हो सकता है, तो चलिए हम लोग कैसे करते हैं। ये बोल रहा है x such that x is a prime number, तो चलो भाई प्राइम नंबर होता क्या है पहले वो जान लो, तो जैसे मान लीजिए इस सेट का नाम दे दीजिए a, तो प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हम लोग जानते हैं नंबर लाइन में दो चीज होता है, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए यदि हम प्राइम नंबर को हटा देंगे, प्राइम नंबर को हटा देंगे तो बचा क्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। दैट मींस ये क्या हो गया, तो जो हम लोग का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x such that x is a positive कंपोजिट, क्योंकि इसको हटा दिए प्राइम को क्या बच गया, कंपोजिट ना, तो कंपोजिट लिखेंगे, x such that x is a पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, ठीक है। एंड एक चीज और, जब आपने क्या किया, आपने जब प्राइम नंबर्स को हटाया तो प्राइम नंबर क्या था, 2, 3, 5, 7 ऐसे हटा दिए, तो आपके कंपोजिट नंबर बच गए क्या क्या, 4, 6, 8 आपने लिख दिया कंपोजिट नंबर, लेकिन देखिए एक एलिमेंट और बच गया था, क्या 1 बच गया था, तो फिर आप लिखेंगे भी एंड x = 1, ये आपका आंसर।
दैट मींस यदि आप यदि वन नहीं लिखेंगे फिर आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कंसेप्चुअल कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बोल रहा है कि प्राइम नंबर, तो मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर को हटा दो, तो मैंने हटा दिया प्राइम, क्या बच गया कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट देखिए आपके प्राइम नंबर्स क्या क्या थे, चलिए हम लोग प्राइम नंबर्स को हटाते हैं, क्या क्या थे, टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन, ये प्राइम नंबर। तो आपके आंसर आप क्या लिखते हैं आंसर में कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर क्या बच गया फोर सिक्स एट, आपने लिख दिया कंपोजिट नंबर। लेकिन देखिए कंपोजिट नंबर के अलावा एक और एलिमेंट था जो बच गया था, क्या वन, तो उसको भी लिखना जरूरी, क्योंकि मैंने क्या बोला जो बच जाए, तो बस तो वन भी गया है ना, तो वन भी तो लिखना पड़ेगा, एंड इसलिए क्या लिख दिया एंड एक्स इज इक्वल टू वन, ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ आपको वही कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5. That means मैंने क्या बोला था, यदि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो that means इसको हटा देना है, अब हमको रोस्टर में ही आंसर लिखना है और हटाना है, that means क्या हो गया, ऐसे सेट होंगे जो नॉट नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 एंड 5, समझ रहे ना, दैट मीन्स जो आपको दिया हुआ है उसको हटा देना है। हटा देना मतलब क्या हो गया, जैसे वहां क्या था इवेन, आपका एक सेट दिया हुआ था जिसमें इवेन था, तो बोला था इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो मैंने क्या बोला था इवन को हटा दो, दैट मीन्स क्या हो गया नॉट इवन, नॉट इवन मतलब क्या हो गया आपका ऑड नंबर, दैट मीन्स यदि रोस्टर फॉर्म में हटाना है तो नॉट लगा देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हटाते हैं इसको, x says that x is a natural number divisible by 3 and 5, 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए आप यदि यूनिवर्सल सेट में हटाएंगे भी एलिमेंट्स तो आपके नेचुरल नंबर ही रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 1, 2, 3, 4, 5, आप कुछ भी हटाएंगे, मान लीजिए इतना पार्ट हटा दिए, ये भी जो आंसर ये भी तो नेचुरल नंबर ही है, दैट मीन्स हम लोग नेचुरल नंबर तो होगा ही, तो लिखेंगे x such that x belongs to natural number and आपको बोला जा रहा था ये सेट क्या है a natural number divisible by 3 and 5, तो हम बोलेंगे x such that x belongs to natural number and x is not divisible divisible by 3 and 5, मतलब कि natural number तो होगा ही और इसमें सिर्फ not लगा देना, तो वही है x says that x belongs to natural number and x is not divisible by 3 and 5, कुछ भी नहीं करना है, जो चीज दिया उसमें not लगा देना है, हो गया आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, x says that x is a perfect, इसको बोलना perfect square होना चाहिए, तो इसको हटा दीजिए, तो perfect square को हटा दीजिए तो क्या हो गया not perfect square, तो वही हमारा आंसर हो गया, x says that x belongs to natural number तो होगा and x is not a perfect square, ठीक। देखिए ये फील आपको तभी आ पाएगा जब आप कॉम्प्लीमेंट्स को समझेंगे, तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स बता दिया, कुछ मत करो, जिसका कॉम्प्लीमेंट्स आपको बोला जा रहा उसको हटा देना है, ठीक है, तो उसी को हम तो हटा रहे हैं, यदि मुझे इसका पूछा जा रहा था इसको हटा दे रहे हैं, अब हमको रोस्टर फॉर्म लिखना तो कैसे लिखेंगे नॉट लगा देंगे, इसका पूछा जाता है इसको हटा देते हैं, इसका आगे हम क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे, वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म का यदि कॉम्प्लीमेंट लिखना है कुछ नहीं लगा देना है, उसको हटा देना है, हटाते कैसे नॉट लगाकर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मैं बोलता हूँ गुड, एक आदमी कैसा है गुड, अच्छा आदमी, मैं बोल रहा हूँ अच्छा आदमी नहीं है तो क्या करते हैं नॉट ही तो लगाते हैं, नॉट गुड। यदि कोई एक आदमी बुरा है बैड, और मैं बोलता हूँ वो बुरा इंसान नहीं है तो क्या हो गया नॉट बैड, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया ये, इसका कॉम्प्लीमेंट गुड का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया नॉट गुड, मतलब कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं उसको हटा देते हैं, तो हटाते कैसे हैं, तो इंग्लिश में कैसे हटाएंगे, तो हम तो ये नहीं बोलेंगे ना कि हटा दो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नॉट, हटा देते हैं, तो इसलिए इसको पूछ रहा था, तो कुछ मत कीजिए, क्या है x says that x is a perfect cube, तो क्या लिखेंगे x says that x is not a perfect cube, हो गया खत्म है यहीं पे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैंने क्या किया इसमें इसके अंदर नॉट लगा दिया, अपने आगे कॉम्प्लीमेंट है उसका, इसका आंसर ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट नंबर पे, इसमें क्या बोला जा रहा है x such that x plus 5 equal to 8, तो ये मुझे अब इसको हटाना है, लेकिन किसको सॉल्व तो कीजिए पहले, आपका x पता तो चलेगा किसको हटाना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं x plus 5 equal to 8, तो s तो 5 इस साइड जाएगा कितना हो गया x is equal to 3, दैट मींस क्या हो गया आपका, ये तो पता है कि यूनिवर्सल सेट में क्या है आपका आंसर सब है 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा आंसर है,
आपको क्या करना है, आपका आंसर यहाँ थ्री है, आपको बोल रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो, दैट मीन्स क्या होगा, थ्री नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला था, जो है उसको हटा देना। तो हम क्या लिखेंगे, x says that x belongs to natural number, natural number तो है and क्या नहीं है, थ्री नहीं है, तो उसको थ्री नहीं है तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे कट कर दीजिए। तो आंसर क्या हो गया, x says that x belongs to natural number and x cannot equal to three। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट, पता ही है मुझे, दैट मीन इसका कॉम्प्लीमेंट इसको हटा देना है। तो पहले ये तो पता कीजिए ये है क्या, तभी तो आप हटाएंगे उसको। तो चलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ चुके हैं, थ्योरी पार्ट में कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मतलब कि इससे ग्रेटर और 7 भी, मतलब 7 और 7 से बड़ा, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 7 और 7 से बड़ा। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो दिया हुआ उसको हटा दो, तो हटा दो तो मतलब क्या हो गया, इस पार्ट को हटा दीजिए, ये सब पार्ट खत्म हो गया, तो ये होगा हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर होता है, इसका मतलब क्या हो गया, x less than 7, ये इसका मतलब क्या हो गया, x 7 से छोटा है, 7 से छोटा मतलब अपने आप ये सब आ गया, ये सारा आ गया। तो वही आंसर लिख देना है, x such that x belongs to natural, natural number क्यों लिख रहे हैं, इससे लिख रहे हैं कि आप किसी को हटाओ और कुछ भी आंसर आपका आ रहा है, कुछ भी आंसर है यार, कुछ भी आंसर नहीं है, जो कुछ भी है सब आ रहा है नेचुरल नंबर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही आपका नेचुरल नंबर है। आप किसी को हटा रहे हो या रख रहे हो उससे मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप हटा दिए मान लीजिए इसको, तो भाई आप इसको हटा भी तो बच क्या गया, 1, 2, 3 ना, तो वो भी तो नेचुरल नंबर ही है, कुछ भी हटाएंगे जो बच जाएगा वो नेचुरल नंबर ही है, इसलिए हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड इसको हटा दिए तो दैट मीन्स क्या हो गया, एक्स लेस देन 7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका 10th पार्ट था, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3rd के लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, इसमें बोला जा रहा है x such that x belongs to natural number और ये इक्वेशन दिया हुआ, तो ठीक है इसको क्या करना है, हटाना है। तो आप हटाएंगे तब ना कि जब पता चल जाएगा कि ये है क्या, तो पहले वो तो पता करो कि ये है क्या। तो चलिए करते हैं सॉल्व, 2x + 1 > 10, ये 1 इस साइड जाएगा तो 10 - 1 इस साइड जाने पर माइनस होता है 9, और ये इस पर डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स आपका यदि ये 9/2 है तो ये बोल रहा है 9/2 इस तरह ग्रेटर, ये पार्ट है, ये आपका ये दिया हुआ है, हमको क्या करना है, इसको हटाना है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, ये पार्ट आंसर हो गया, समझ आ रहा ना। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, लेस देन 9/2, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे इक्वल्स का साइन नहीं है, तो मतलब कि इसको हटाना है, तो मतलब क्या इक्वल का साइन लेना है, तो यहाँ हो जाएगा। तो अब इस चीज को आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, x such that x belongs to natural number and x 9/2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ यूनिवर्सल सेट, एक दिया हुआ, एक सेट ए दिया हुआ, एक सेट बी दिया हुआ, और आपको ये आपको वेरीफाई करना है कि सही है गलत है, ठीक है, इसको चेक करना है। अब देखिए आप इसको जब गौर से देखेंगे तो कुछ नया नहीं है, हम लोग जब इंटरसेक्शन के और यूनियन के प्रॉपर्टीज सीखे थे वही चीज़ है, और इन प्रॉपर्टीज को भी याद नहीं करना है, इसका भी मैंने फंडा बताया था कैसे याद करना है, आपको बताया ना मैंने, आपको बताया था ए यूनियन बी, और यदि हमको अलग करना है तो आप इंटरसेक्शन लिख, ये लिख दीजिए अलग अलग, और यहाँ यूनियन है तो बाहर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, मतलब जो अंदर में है उसका अपोजिट हो जाता है। देखिए सेम चीज लिखा हुआ है ना, इसको दिखना है तो देखिए, अब देखिए इसको अलग करना है तो अलग कर दीजिए, लगा दिया बार, अब इंटरसेक्शन अंदर में तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। याद नहीं करना है ये सब, कुछ भी याद नहीं करना है, सब ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स के अनुसार ही चलना है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग कितने फॉर्मूलों को याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसको करते हैं वेरीफाई। इसमें बोला जा रहा है कि पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ए यूनियन बी का बार निकालना है, इसका मतलब क्या है, हमको पहले ए यूनियन बी निकालना होगा, फिर हम लोग ए यूनियन बी का बार निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालें, तो पहले ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए के एलिमेंट्स को लिखिए, क्या है आपका एलिमेंट्स, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, बी के एलिमेंट्स को लिखिए, 2 है लिखा हुआ, 3, 5, 7, 3, 5, 7, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। चलिए कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये क्या हो गया आपका ए यूनियन बी हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालते हैं, इस एलिमेंट्स को क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। सब जगह बस एक ही फंडा है, एक्सरसाइज 1.5 का बस एक ही फंडा है, कुछ मत करो। जो सेट जिसका बोला जाए कॉम्प्लीमेंट निकाल ले, एक यूनिवर्सल सेट देखो, उस यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दो, जो बच गया वही आपका आंसर है। ये पूरा जो एक्सरसाइज 1.5 इसी फंडे पे चल रहा है। तो चलिए इसको हटाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बच क्या गया, 1 और 9। That means हम लोग का ये जो पार्ट था, ये जो आपका पार्ट था LHS जो था वो कितना निकल गया, 1 और 9। अब हम लोग इसको निकालेंगे, यदि वो भी 1, 9 आ गया तो हम लोग ये समझेंगे कि ये ट्रू है, ये सही बात है। तो चलिए हम लोग LHS निकाल चुके हैं, अब हम लोग इसको निकालते हैं, ए इस तरह से निकालते हैं। चलिए तो ये कैसे निकलेगा, तो पहले आपको ए बार निकालना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या कीजिए, इसको इसमें हटा दीजिए, 2, 4, 6, 8 हटा दीजिए, क्या बच गया, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ठीक है, और 9, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, चलिए बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 और 7, इसको हटा दीजिए, क्या बच गया, 1, 4, 6, 1, 4, 6, ठीक है, 8 और 9। अब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो चलिए लेते हैं। मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन मींस क्या होता है, इंटरसेक्शन मींस होता है कॉमन, जो कॉमन एलिमेंट्स है वही आपका इंटरसेक्शन होता है। अब बताइए इसमें से क्या क्या कॉमन है, 1, हाँ इसके पास भी 1 है, 4, इसके पास 4 नहीं है, 6, 6 इसके पास नहीं है, 8 नहीं है, 9, हाँ 9 है। तो कौन कौन सा कॉमन आ गया, 1 और 9। अब देख लीजिए आप इस पार्ट को, देखिए इस पार्ट को देखिए, दोनों सेम चीज है, 1, 9, 1, 9, दैट मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, इसका मतलब अपने आप क्या हो गया, ये और ये सेम होगा। तो चलिए लिखते हैं, ए और यही तो लिखा हुआ है यहाँ, दैट मीन्स मैंने वेरीफाई कर लिया, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था वेरीफाई करना, हम लोग वेरीफाई कर लिए, इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, सेम उसमें भी सेम चीज करेंगे, जिस जो चीज मैंने यहाँ पे किया सेम चीज हम लोग वहां भी करेंगे। तो चलिए करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद उसका बार, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है, ए और बी में जो भी कॉमन है उसको लिखो। तो हम लोग का ए, हम लोग का ए ये है, बी ये है, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है क्या, हाँ कॉमन है, 4, 4 नहीं है इसके पास, 6, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो सिर्फ क्या आ गया आपका 2 हो गया। अब क्या करना है, इसका निकालना है आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2 है तो 2 को इसमें से हटा दीजिए, इसमें हटा दिया, जो बच गया वही, तो क्या बच गया, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये बच गया, आपने LHS निकाल लिया ये। अब हम लोग ये निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या उसका आंसर यही है, यदि है मिल गया तो फिर वेरीफाई हो गया। तो चलिए इस पार्ट को बनाते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का, इसके लिए हमको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं क्या, हाँ यहाँ निकाल चुका है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं क्या, हाँ निकाल चुका है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग यूनियन लेंगे, ठीक है, ए यूनियन ए का, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट का, तो हमारा एक ये है, ठीक है। अब देखिए यूनियन कैसे लेते हैं, कि फर्स्ट वाले को लिख देते हैं, जो है आपको लिख दीजिए फर्स्ट वाले को, 1, 3, 5, 7, 7 और 9, ठीक है।
आपने लिख दिया। अब हम लोग को बी लिखना है, तो देखिए इसके पास वन है, इसके पास वन है क्या? हाँ है, फोर, फोर नहीं है तो फोर लिख देंगे, सिक्स, सिक्स नहीं है, सिक्स है क्या? नहीं है तो सिक्स लिख देंगे, ठीक है। एट, एट है क्या? नहीं है तो लिख देंगे, नाइन, नाइन है इसके पास, ये देखिए। अब नहीं लिखेंगे, अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, वन थ्री, वन लिख दिया, थ्री लिख दिया, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन। अब देखिए, अब आप इसको यदि गौर से देखेंगे तो सेम चीज है क्या? सेम चीज है, दैट मीन्स यदि ये और ये सेम है तो इसका मतलब कि ये और ये भी सेम होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, देख लीजिए आपका सेम चीज, यही तो बको बोला जा रहा था कि वेरीफाई करना, तो हम लोगों ने ये भी वेरीफाई कर लिया।